छिंदवाड़ा में आघोषित बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस ने आज मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कार्यालय का घेराव किया और धरना दिया। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधिकारियों द्वारा जन प्रतिनिधियों से बातचीत कर आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्द ही उच्च अधिकारियों से बात करके इस समस्या का हल निकाला जाएगा। जिले में हो रही अघोषित बिजली कटौती के कारण किसानों और आम जनता को हो रहे नुकसान और परेशानी का हवाला देते हुए कांग्रेस द्वारा बिजली कटौती से मुक्ति दिलाने की मांग की गई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे, प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, सोहन वाल्मीकि, विधायक परासिया, नीलेश उइके, विधायक पांडुरना, सुनील उइके, विधायक जुनारदेव, ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष अमित सक्सेना एवं विजय चौरे, विधायक सौसर उपस्थित थे। बाइट 1-2 छिंदवाड़ा से NBC न्यूज के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट। उच्च अधिकारी बिशन साहब SEMP भी हैं, अधीक्षण यंत्री हैं, उनसे हमारी चर्चा हुई, उन्होंने चर्चा करी, उनके पूरे स्टाफ के अंदर DE भी थे, उन्होंने कहा कि हम प्रस्ताव भेजेंगे, उन्होंने आश्वस्त किया कि छिंदवाड़ा के बिजली सुधार करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। हमने कहा प्रयास से काम चलेगा, हमें बिजली चाहिए। दुखी हो रही है उसके खिलाफ में हमने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा, सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन किया। जब हमारी बात नहीं मानी जा रही थी, जबलपुर के विभाग के अधिकारी हमारी बात को इग्नोर कर रहे थे, तो हम सभी लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया। फिर हमारी CE जो है उनसे चर्चा हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में जो बिजली संकट की बात कर रहे हैं, केवल संकट की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक दिखावा है। पीछे से बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा दिलाने की कोशिश की जा रही है। कोई केवले का संकट नहीं है। आज हमारा पूरा कोल इंडिया टारगेट से ज़्यादा केवला उत्पादन कर रहा है, हमारा पूरा WCL टारगेट से ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। इनके जो MPP के जितने थर्मल पावर प्लांट हैं, ये 60% चल रहे हैं। इनको 100% क्यों नहीं चलाया जाता? यदि 100% यदि चलाएं उन पावर प्लांटों को, तो निश्चित रूप से बिजली का जो संकट है वो दूर होगा। और ये संकट से दिखावा है भारतीय जनता पार्टी का। ये पीछे से बड़े बड़े उद्योगपतियों को केला उनसे खरीद रहे हैं, बिजली उनसे खरीद रहे हैं, उनको फायदा दिलाना चाहते हैं और आम जनता को, किसानों को परेशान करना चाह रहे हैं। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और ये हमारी बात को नहीं मानेंगे तो पूरे ज़िले में हम पूरे ज़िले में आंदोलन करेंगे। और यदि लाइन ऑर्डर खराब होगा तो ये पूरी लाइन ऑर्डर खराब की जवाबदारी शासन प्रशासन और विद्युत विभाग की होगी।